आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे एनसीसी के बारे में। एक त्रिकोणीय सेवा संगठन एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन, ये अधिकतर कॉलेज के समय ली जाती है। ये मानिए कि इसे ज्वाइन करने वाले जो छात्र हैं उन्हें फौजी बनने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। इसकी स्थापना आज़ादी के कुछ महीने बाद नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के साथ हुई थी। आज उसी का डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। देश के 13 लाख से ज़्यादा छात्र एनसीसी में हैं। यह 1948 में सिर्फ 20,000 लोगों के साथ शुरू हुआ था। एनसीसी 3 साल की होती है, पहले साल ए, दूसरे साल बी और तीसरे साल सी ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलता है। एनडीए और आईएमए के उलट एनसीसी में लड़कियों को शामिल होने की अनुमति है। यहाँ लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर मिलते हैं। एनसीसी के छात्र अलग अलग तरह की वर्दी पहनते हैं, खाकी सेना के लिए, सफ़ेद नौसेना के लिए और हल्की नीली वायुसेना के लिए। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है और देश में इसकी 788 टुकड़ियां हैं। इनमें से 667 सेना की, 60 नौसेना की और 61 वायुसेना की है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 9.5 लाख एनसीसी छात्रों ने देश के 1805 सेंटरों पर योग किया था। इनमें लेह, कन्याकुमारी, अंडमान और निकोबार द्वीप के भी सेंटर शामिल थे। एनसीसी दक्षिण पूर्व एशिया के 12 देशों में एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में एनसीसी के छात्र दूसरे नंबर के रक्षक थे। इन्हें कारखानों में हथियारों की सप्लाई और गश्त लगाने वाले दलों के रूप में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में एनसीसी छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस और राहत कार्यों में भी सहायता प्रदान की थी। आप चाहें तो कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एनसीसी सर्टिफिकेट का मेडिकल में फ़ायदा मिलता है नहीं, ये भी हम आपको बताते हैं। यदि आपके शरीर में छोटी मोटी कमी है तो एनडीए मेडिकल में से सर्टिफिकेट से फ़ायदा मिलता है, लेकिन आप बड़े फॉल्ट से नहीं बच सकते हैं। जैसे घुटना आपस में नहीं सटना चाहिए, दांतों का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आँखों और पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं? एनसीसी का सर्टिफिकेट होने पर आपको उच्च शिक्षा में अलग से कोटा मिलता है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने से आपको आर्मी के जीडी की और एनडीए की लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और कई जगह छूट भी मिलती है। ए सर्टिफिकेट को 5%, बी सर्टिफिकेट को 8% और सी सर्टिफिकेट को 10%। अब हम आपको बताते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में क्या बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के एनसीसी के सहारे नौसेना में भर्ती हुआ जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। एनसीसी 4 सिद्धांतों पर काम करती है। मुस्कान के साथ आज्ञा का पालन करो, समय पर आओ, बिना गड़बड़ के कठिन परिश्रम करो, कभी बहाना नहीं बनाना और झूठ नहीं बोलना। 1963 और उससे आगे के सालों में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनसीसी के प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस मार्च कंपटीशन में एनसीसी छात्रों ने 3rd पोजीशन हासिल की थी और ट्रॉफी भी जीती थी। इस साल की बात कर रहे हैं हम आपको। एनसीसी का वर्तमान गाना सुदर्शन फकीर द्वारा लिखा गया है। इससे पहले एनसीसी का गीत था कदम मिला के चल, अब अधिकारी गीत है हम सब भारतीय हैं, जिसका अर्थ है वी आर ऑल इंडियंस, और इसे 1982 में अपनाया गया था। सुदर्शन फकीर पहला ऐसा इंसान था जिसे अपने पहले गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एनसीसी समूह का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर करता है। देश में ऐसे 17 हैं और हर एक को एनसीसी झंडे पर कमल द्वारा दर्शाया गया है।
एनसीसी के झंडे में तीन रंग है, लाल सेना के लिए, गहरा नीला नौसेना के लिए और हल्का नीला वायुसेना के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी एक समय पर एनसीसी के छात्र थे। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इस सिद्धांत को 1957 में अपनाया गया था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।